पंचकुला के सेक्टर 5 में 5वें चित्र भारती फिल्मोत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत करी। समापन समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता, गायक पम्मी बाई, पहलवान योगेश्वर दत्त भी मौजूद रहे। पंचकुला में चल रहे 5वें चित्र भारती फिल्म महोत्सव का भव्य समापन हुआ। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने समारोह में शॉर्ट फिल्म के लिए चयनित हुए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को अवार्ड भी दिया। चित्र भारती फिल्म महोत्सव के क्लोजिंग डे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी शिरकत की थी। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने भारत को कंटेंट हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल के जरिए भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बेहतर काम किया गया है। अनुराग ठाकुर ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि आने वाले दिनों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यानी कि सेंसर बोर्ड का एक ऑफिस चंडीगढ़ में भी खोला जाएगा। सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित करने के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने वालों के पीठ थपथपाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए जो शानदार कार्यक्रम पंचकुला में किया गया है, मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और अपने माननीय स्पीकर साहब जिन्होंने यहाँ पर तीनों दिन बहुत बड़ा सहयोग भी दिया, पूरी हरियाणा सरकार से लेकर भारत सरकार ने। और एक मैं बात कहूँगा कि भारतीय फिल्में आज दुनिया भर में अपनी धूम मचा रही, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाना है, कंटेंट कॉन्टिनेंट बनाना है, तो इसलिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं कि दुनिया भर के लोग यहां आकर फिल्में बनाएं और उन फिल्मों को दुनिया भर में दिखाने का काम किया। हमने लंबे समय की मांग थी उत्तर भारत की कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का बने CBFC का दफ्तर, हमने उनके लिए एक फैसिलिटेशन ऑफिस यहां पर खोलने का निर्णय लिया है। अगले 15 दिन के अंदर यहां पर वो दफ्तर खुल जाएगा, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं। अब इनको बॉम्बे दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, अब चंडीगढ़ में इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। एक बड़ी मांग इनकी जो लंबे समय थी वो पूरी हो गई। पायरेसी के खिलाफ हमने कानून बनाया है, फिल्मों को चुराने वाले और दिखाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी और अब सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को दफ्तरों में नहीं भागना पड़ेगा। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता फिल्म फेस्टिवल के तीनों दिन कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चित्र भारती के इस महोत्सव के जरिए लघु फिल्मों और कलाकारों को बढ़ावा मिलता है। देखिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि चित्र भारती के द्वारा पंचकुला के अंदर 3 दिवसीय ये जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पंचकुला के लोगों के लिए एक नया अनुभव, एक नई चीज़ जो है पंचकुला में आई है। जिस प्रकार से इन फिल्मों के अंदर भारतीयता और जो लघु फिल्में हैं विशेष तौर पर, उनको प्रमोट करने की जो काम किया गया है और एक जो भारतीयता इन जिन फिल्मों के अंदर है, वो फिल्में उन आज यहाँ देखने को मिली है। बहरहाल पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का स्थानीय लोगों ने आनंद उठाया। इस दौरान फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी महोत्सव में आना जाना लगा रहा। कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा। अगले साल के लिए इसे और भी खूबसूरत तरीके से पेश किए जाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।